हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। दोस्तों आज बहुत अच्छा मौसम है तो अभी हम निकल रहे हैं राइड पे और अभी आपको मोटो व्लॉगिंग एक्सपीरियंस दिखाते हैं। अपने बाइक पे भी कैमरा फिट करेंगे और चलते हैं। आपको बाइक से अगली फुटेज आपको बाइक से देखने को मिलेगी। तो मौसम अच्छा हुआ था तो फिलहाल अभी सोचा हमने मोटो व्लॉगिंग करते हैं और आपको जर्नी का एंजॉय कराते हैं। तो फिलहाल मौसम बहुत अच्छा है तो अभी चलते हैं, आपको जर्नी के साथ एंजॉय करिए। गैस, आज वीडियो बनाने का मेरा एक ही एम था क्योंकि आज का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बारिश हुई थी, तो उसके वजह से मैं सोचा कि क्यों ना मोटो व्लॉगिंग किया जाए। और एक मेरा एक और मतलब दूसरा ऑप्शन था क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो मैं बता दूँ कि मैं बाइक राइड कर रहा हूँ इस टाइम रॉयल इनफील्ड मीडियो 350 और कैमरा मेरे पास है एक्शन कैमरा है इंस्टा 360X3 जो कि मैंने 3 मंथ पहले लिया था। तो फिलहाल ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं वो मैंने बाइक में माउंट किया है अपना इंस्टा 360X3। तो आप इसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो कि कैसी स्टेबिलिटी है। और अब जैसा कि आप जानते हो कि रॉयल इनफील्ड के बाइक में वाइब्रेशंस होते हैं तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इंस्टा 360X3 बिकॉज इसका स्टेबिलाइजेशन बहुत अच्छा है। आप वाइब्रेशन आप फील नहीं कर पाओगे कि आप इसमें वाइब्रेशन ऐसा कुछ हो रहा है। तो बहुत अच्छा स्मूथ रिकॉर्डिंग होती है इंस्टा 360X3 में। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इंस्टा 360X3 ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा कैमरा है और इससे आप 360 डिग्री रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो को, आप सिंगल लेंस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप जैसे GoPro यूज़ करते हैं वैसे आप इंस्टा 360X3 को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा था क्यों ना वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए और आपको दिखाया जाए कि इसका कैमरा कैसा है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इंस्टा 360X3 ले सकते हैं। मेरा जनरल मेरा रिव्यू है कि आप ले सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इंस्टा 360X3 ले सकते हैं। अगर आप GoPro लेना चाहते हैं तो GoPro ले सकते हैं, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंस्टा 360X3 इज द बेस्ट कैमरा फॉर स्टेबलाइजेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पसेस। गैस, अभी थोड़ी बारिश हुई थी उसके वजह से रोड वेट है, तो बारिश के मौसम में ड्राइव हमेशा स्लो करना चाहिए। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं या फिर बाइक राइड करते हैं बारिश के मौसम में तो फिर आपको राइड स्लो करना चाहिए और हेलमेट को हमेशा वेयर करना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वेदर है, पूरा ग्रीनरी है और ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मेरा एक ही एम था कि क्यों ना मोटो व्लॉगिंग किया जाए इस मौसम में और आपको एक सिटी टूर दिखाते हैं कानपुर का। अगर आप कानपुर से हैं या फिर कानपुर से नहीं हैं और कानपुर आना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कानपुर का वेदर ऐसा भी होता है और आपकी रोड ऐसे मिलेगी आपको कानपुर। तो कानपुर में जो ट्रैवल करना चाहते हैं कानपुर में काफ़ी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है कानपुर में। अगर आप कानपुर विजिट प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ब्लू बर्ड है यहाँ पे, जेड स्क्वायर है यहाँ पे, नाना राव पार्क है, एक इस्कॉन टेम्पल है और बहुत सारी जगह है, मोती झील है आपका, बोट क्लब है, बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप कानपुर से नहीं हैं बाहर हैं तो। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और मेरे बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है दानिश, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूं और मैंने अपने चैनल की स्टार्ट मैंने यहीं से किया था, कानपुर से 3 महीने पहले किया था। फिलहाल मेरे अभी 24,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोग के प्यार और सपोर्ट से। तो अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि मेरा चैनल और ग्रो कर सके और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको ला कर इंटरटेन करता रहूँ। तो ऐसे ही वीडियो को इन्जॉय करिए और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।